हेलो बच्चों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इस एक दिन में अपने हिंदी का पूरा सिलेबस कैसे करना है। सबसे पहले आप स्टार्ट करो, चाहे आपका कोर्स ए हो या बी हो, पैटर्न सबके लिए सेम रहेगा। आप स्टार्ट करो अपनी बुक या तो क्षितिज जिसके क्षितिज चल रही है और या फिर स्पर्श जिसके स्पर्श है। कैसे करना है, आपको अपना पूरा पाठ पढ़ा हुआ होना चाहिए, पाठ का सार पता होना चाहिए, हर शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। भाई हमारा सीक्वेंस जनरली क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए डिटेल चैप्टर पढ़ना, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स करना, उसके एमसीक्यूज करना, उसके बाद उसके सैंपल पेपर के क्वेश्चन करना और फिर प्री वाईक्यूज करना। नेक्स्ट आपको करना है व्याकरण। व्याकरण का आपका आता है 16 नंबर का, तो इसमें आपको आपका कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। इसके बाद आपको सीक्वेंस में करना है लेखन। लेखन में अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन, हर एक का फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। और सबसे एंड में आप स्टार्ट करना आपका अपठित गद्यांश या पद्यांश, क्योंकि ये अगर आपका स्किप भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो स्टार्टिंग के तीन चीजें हैं वो आपका हर चीज पता होना चाहिए। क्योंकि अपठित गद्यांश और पद्यांश अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करके जाते हो तो भी आप वो अटेम्प्ट बहुत आराम से कर सकते हो।